नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है संविधान सभा। देखिए किस तरह से संविधान सभा का गठन हुआ और किस तरह से संविधान सभा के द्वारा भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण किया गया, वो सभी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखते हैं किस तरह से संविधान सभा का निर्माण हुआ। देखिए संविधान सबसे पहला बिंदु आता है वो है संविधान सभा के निर्माण के लिए फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन का गठन किया गया तथा कैबिनेट मिशन में तीन व्यक्ति भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए भेजे गए, जिसका नाम है लक। L4 आता है लॉरेंस के लिए, A है अलेक्जेंडर के लिए और K है क्रिप्स के लिए। ये तीन व्यक्ति कैबिनेट मिशन जो था उसके साथ तीन व्यक्ति आए, LAK, लक, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। तीन व्यक्ति भारत आए और किस तरह से इन्होंने संविधान सभा का निर्माण किया। देखिए भारत फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था। ये भारत कब आए थे? तो ये आए थे मार्च 1946 को भारत आए तथा मई 1946 से इन्होंने संविधान सभा के निर्माण के लिए कार्य करना प्रारंभ किया। तो आगे बात करते हैं मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए तथा मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए तथा जुलाई 1946 में संविधान सभा के निर्माण के लिए 389 सीटों पर चुनाव आयोजित करवाए गए। कितनी सीटों पर? 389 सीटों पर, जिसमें से 292 सदस्य थे वो थे ब्रिटिश शासित प्रदेश से, में सदस्य से देसी रियासतों से और चार जो सदस्य थे वो थे चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र से। तो इस तरह कुल 389 सदस्यों के लिए 208 सीटें कांग्रेस के लिए मिली थी, 73 सीटें मिली थी मुस्लिम लीग के लिए और 15 सीटें मिली थी अन्य के लिए। तो इस तरह से संविधान सभा के चुनाव 389 सदस्यों के लिए चुनाव आयोजित करवाए गए कैबिनेट मिशन के द्वारा। जैसे ही संविधान सभा का निर्माण हो गया, 389 उसमें सदस्य थे, तो सबसे पहले बात आती है 9 दिसंबर 1946 की। इस दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। तो वेरी मोस्ट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन सबसे बुजुर्ग सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। किसे बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई संविधान सभा की, जिसमें अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को तथा इस प्रथम बैठक का मुस्लिम लीग और हैदराबाद रियासत के द्वारा बहिष्कार किया गया। अतः संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो स्थगित कर दी गई और इसके बाद 2 दिन बाद
11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की सेकंड बैठक यानी कि द्वितीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्न कार्य किए गए। क्या क्या कार्य किए गए? इसमें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो देखिए एक कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा की प्रथम बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो सच्चिदानंद सिन्हा, और अगर आता है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके दो दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अगली बैठक हुई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। तो क्वेश्चन आता है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए गए? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित कर दिए गए। सर्वसम्मति से पारित की कर दिए गए। देखिए मतलब समझते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, जो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित कर दिए गए। अब बात आती है उद्देश्य प्रस्ताव क्या थे, तो उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था कि जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि अपना जो संविधान होगा इस तरह से होगा, इस तरह से इसका निर्माण किया जाएगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हो गए। इसके बाद संविधान के निर्माण के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया था, जो समिति जिनमें से महत्वपूर्ण कुछ समितियां हैं जिनकी अपन बात करते हैं। हाँ, तो दोस्तों संविधान सभा के लिए जो कुछ समितियां बनाई गई थी उनमें से कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं जिनके नाम और उनके अध्यक्षों को याद करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो एक ट्रिक के माध्यम से वो 5 समितियां और उनके अध्यक्षों के नाम याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए इधर लिखते हैं समितियां और इधर लिखते हैं अपन अध्यक्ष। तो कौन कौन सी समितियां थी और कौन कौन उनके अध्यक्ष थे? देखिए पहली समिति बात करते हैं अपन प्रांत झंडा फहराएगा, प्रांत झंडा या कह देते हैं लहराएगा, प्रांत झंडा लहराएगा और संघ करेगा संचालन। देखिए ये ट्रिक है दोस्तों, प्रांत झंडा लहराएगा और संघ करेगा संचालन, जिसमें से लहराएगा और करेगा इसका कोई मतलब नहीं है। तो एक समिति आती है प्रांतीय समिति, एक आती है झंडा समिति, एक आती है संघ शक्ति समिति से 2 समितियां हैं, संघ शक्ति समिति, और एक आती है संघ संविधान समिति, और तीसरी अगली आती है वो है संचालन समिति। यानी कि कुछ महत्वपूर्ण है, वैसे टोटल शायद 13 समितियां थी और जिनमें से महत्वपूर्ण यही ज्यादातर आती हैं, तो 5 समितियां हो गई, 1, 2, 3 और एक ये और एक ये, टोटल 5 समितियों के अपन ट्रिक से याद कर रहे हैं कि प्रांत झंडा लहराएगा, संघ करेगा संचालन। अब बात आती है इनके अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष की बात करें तो देखिए प्रांतीय समिति, तो प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। तो ट्रिक क्या है कि भाई की कृपा
भाई की कृपा होगी, भाई की कृपा होगी और जवार प्रसाद बांटेगा। जवार प्रसाद बांटेगा, यानी कि भाई की कृपा होगी और जवार प्रसाद बांटेगा। तो देखिए, भाई का मतलब है वल्लभ भाई। देखिए, ये साइलेंट और बांटेगा ये साइलेंट, तो भाई का मतलब है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। कृपा का मतलब है जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। जवाहर का मतलब है जवाहर लाल नेहरू। अब देखिए, यहां भी अपन ने संघ के लिए दो पढ़ी थी, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, तो इसीलिए जवाहर भी दो बार आ जाएगा, जवाहर लाल नेहरू। यानी कि इन दोनों समितियों का जो अध्यक्ष था वो कौन था? जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति यानी कि प्रसाद बांटेगा, तो प्रसाद कौन बांटेगा? राजेंद्र प्रसाद। तो ये कुछ समितियां हो गई जिनके नाम अपन याद रखते हैं। दोबारा से एक बार देखते हैं कि प्रांत झंडा लहराएगा, संघ करेगा संचालन। दो तीन बार बोलना दोस्तों, प्रांत झंडा लहराएगा, संघ करेगा संचालन। ट्रिक है, भाई की कृपा होगी, भाई की कृपा होगी जवाहर प्रसाद बांटेगा, और भाई की कृपा होगी तो प्रसाद कौन बांटेगा? जवाहर। अब यहां पर भी हमने तीसरा जो शब्द था संघ, इसको दो समितियां बनाई थी, संघ शक्ति संघ संविधान। इसी तरह यहाँ जवाहरलाल नेहरू भी दो बार अपन लिखेंगे। तो ये दोस्तों कुछ संविधान सभा के निर्माण के लिए कुछ समितियां थी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण समिति आती है, वो आती है प्रारूप समिति। उसका अपन अलग से एक वीडियो बनाकर पूरा अच्छी तरह से समझेंगे। इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो भी आप देख लीजिए। एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है संविधान की जो ये समितियां बनाई गई थी, इनके लिए एक संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। संविधानिक की समितियों का एक संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया था? वो था BN राय, यानी कि सलाहकार राय देने वाला। तो इसको याद रख सकते हैं, BN राव। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।